क्लास 6 बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है, ये पहला चैप्टर होता है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फूड वेराइटीज़ के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, और हम लोगों ने प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड के बारे में जाना था। इसमें नेक्टर्स जाने थे, हम लोगों ने स्प्राउटेड सीड्स के बारे में जाना था। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाते हैं। यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपके पास कोई मवेशी या जानवर है जिसको आप पालते हैं, पाले हैं अपने, एक कैट, ए डॉग, एक कैट, कैट बुफालो और एक गॉट। इनमें से कुछ को आपने पाला भी होगा या अगल बगल देखा होगा कि ये पाले जाते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है जिसमें स्क्वायरल, एक गिलहरी जो है वह खाते हुए दिखाई दे रही है। गिलहरी के बारे में आपको ये बताता हूँ, गिलहरी जो है वह बीज खाती है ना, सीड्स जो है वह खाना पसंद करती है। और कभी कभी क्या करती है कि कुछ सीड्स को खा करके वह माने अधूरा खाई रहती है, या फिर उसको क्या कहते हैं मिट्टी के अंदर गाड़ देती है और अगले दिन भूल जाती है, जिससे वह अपने आप जो है वह सीड्स जो है वो पैदा हो जाता है, माने वो पौधा बन जाता है और पेड़ बन जाता है। इस तरह से जंगल को लगाने का काम जो है यह गिलहरी भली भांति करती है। ठीक है, तो इसका भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी जीवित जिंदा रहने में जो है जंगल की सलामती है। यू विल देन सिक्योर दैट अवेयरनेस ऑफ फूड द एनिमल ईट। व्हाट अबाउट एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। आपने ध्यान दिया होगा कि जानवर क्या खाते हैं। ठीक है, जैसे अदर एनिमल, अभी स्क्वायरल की बात हो रही थी, कबूतर हुआ, लिजार्ड, छिपकली हो गई, और कोई छोटा इंसेक्ट, ये क्या क्या खाते होंगे। ठीक है, एक्टिविटी 6 है, सेवरल एनिमल्स आर लिसन इन द टेबल, लिस्टेड इन द टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम दे द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जैसे यहाँ देखिए बुफेलो के बारे में दिया है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब खाते हैं। कैट का स्मॉल एनिमल जैसे बर्ड हुआ, मिल्क हुआ, ये सब खाते हैं। रैट आप जानते हैं कि वो क्रियस जो है अनाज वगैरह वो खाते हैं। ठीक है, और क्या है कि वह आपका मैंने अनाज ज़्यादातर खाता है। ठीक है, भोजन रोटी वगैरह ये सब भी खाता है, तो मैंने आप क्रियस से लिख सकते हैं। लॉयन जो है वो फ्लैश मैंने कच्चा मांस है ना, इससे आप ये पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार भी करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग और आगे चर्चा करें। द टाइप फॉर सम ऑफ देम दे टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवेन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। जो खाली जो जगह है इनको आपको पता करके भर लेना है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 7 भी है, हैव अ लुक टेबल 1.5 एंड अ ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हेयर एज अ फॉलो। अब इसमें क्या करना है, उनका एक ग्रुप बना लेना है। तो देखिए कैसे बनाना है, ग्रुप 1 में आपको हर्बीवोरस को रखना है, जो हर्बीवोरस है यानी कि जो घास पात खाते हैं, जो पेड़ पौधे को खाते हैं। ठीक है, हरा घास वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस वो हो गया जो फ्लैश खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, कच्चा मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, डू यू फाइंड दैट सम एनिमल बोथ, मैंने कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दोनों खाते हैं, उसको ओमनीवोरस में रखेंगे। अब देखिए जैसे टेबल आप 1.6 तैयार करते हैं, आपको सब ध्यान हो जाएगा, ऐसे आप नीचे क्लास में पढ़े हुए। जैसे हर्बीवोरस हो गया है, जो आपके केवल हरा घास वगैरह खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। फिर आपका कार्निवोरस हो गया, जो केवल कच्चा मांस खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस जो हो गया वह मांस भी खाते हैं और आपके जो है वह माने अनाज वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट
फूड, हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो भोजन पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उससे पहले एक सूचना है, पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग विल फिल इन द टेबल। अब जैसे टेबल में आप तैयार कर रहे हैं हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ओमनिवोर्स, तो हम मनुष्य को किस टेबल में रखा जाएगा? हम लोग जितने भी मनुष्य हैं सबके सब ओमनिवोरस में आएंगे, क्योंकि हम लोग मीट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, और हम लोग अनाज भी खाते हैं, ठीक है। चलिए, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस वी हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड। हम लोग में कुछ ऐसे जानवर भी हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भोजन प्रॉपर वे से नहीं कर पाते। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें ऐसे ऐसे टेक्निक करने चाहिए जिससे देश का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दे दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वे टू इनकरेज दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू वन ऑफ अस। इतना ही नहीं, जो अनाज पैदा होता है वो जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाए, बात समझ गए, हर किसी को अनाज घर पे भरे हुए हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। अब ये कीवर्ड्स हैं, अगला वीडियो जो बनेगा आपके कीवर्ड्स डिस्कशन होंगे, ये आपके इंग्रेडिएंट से लेकर के ओमनिवर्स का तक, ठीक है। फिर समरी हम लोग उसी दिन डिस्कस करेंगे, समरी वाले क्वेश्चंस, फिर आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर इसको नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।